हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाने के शौकीन। तो आज मैं आपको बताऊंगी घर में आप आसानी से कैसे पेठा बना सकते हैं। ये पेठा है जिसे हम कोहरा या कुछ लोग कद्दू कहते हैं, इसे भतुआ भी कहा जाता है। ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, ये काफ़ी सस्ती मिलती है। तो आज मैं बताऊँगी आपको इससे कैसे आप इसका पेठा बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन पेठा को काटेंगे। पेठा आगरा का प्रसिद्ध मिठाई है। ये देखिए, इस तरह से इसके पहले पीसेस बनाएंगे। ये देखिए, हमें ये हरा वाला पार्ट है ये बिल्कुल निकाल लेना है, ये ऐसे। तो ये देखिए, मैंने सारे पेठे को काट लिए हैं पीसेस में। अब इसे ऐसे गोदना है, ये इसे ऐसे गोदना है कि जिसे ये इधर साइड भी इसका हो जाए छेद। इस तरह से इसे ऐसे प्रिक करें, ये देखिए, ये ऐसे हमें प्रिक करना है। ये देखिए, इसे ऐसे प्रेस करना है कि ये इस तरह का शेप में मुड़ने लगे। इसी तरीके से हम सारे पेठे के पीसेस को इस तरह से ऐसे गोदेंगे, इसे हर साइड से ऐसे इसे ऐसे हमें गोद लेना है। और एक बर्तन में इस तरीके से ऐसे पानी डाल के रखें, और ये चूना है। आपको कहीं भी आसानी से अपने आसपास पान की दुकान में आपको मिल जाएगा। इसे इस तरह से ऐसे फुला लें,
और इसको पानी में डाल दें। इसे हाथ ना लगाएं तो अच्छा रहेगा। ये जो गोदे हुए पेठे के पीसेस हैं, इसे हमें ऐसे चूने के पानी में इसे डालते जाना है गोद कर। तो ये देखिए, ये सारे पेठे को मैंने गोद लिया है, ये पेठे के पीसेस को आप ये इस तरह से, ये देखिए ये बिल्कुल इस तरह से ऐसे मुड़ने लगा है। इसका मतलब है कि ये हमारा पेठा जो है अच्छी तरीके से गोदा गया है। ये देखिए इसे, तो ये जो पेठे का पीसेस है इसे हम चूने के पानी में रात भर के लिए इसे डालकर छोड़ देंगे। इसे कम से कम 10 से 12 घंटे तक चूने के पानी में रहने देना है। चूना, जिसे हम लाइम भी बोलते हैं अंग्रेजी में, कैल्शियम कार्बोनेट, ये इस तरह से इसे चला के ये पूरे इस तरह से पानी में डूबा होना चाहिए। और इस तरह से हम इसे ढककर छोड़ देंगे इसे 10 से 12 घंटा तक के लिए। तो ये 10 से 12 घंटा हो चुका है, मैंने इसे रात में डाला था चूने में। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से इसे चूने के पानी से निकाल लेना है। इसे अच्छे से 4 से 5 पानी से हमें धो लेना है। ये हमारा चूना ये निकल जाना चाहिए। तो इसे मैं रनिंग वाटर में इस तरह से धो रही हूँ। ये देखिए, इसे अच्छी तरीके से रनिंग वाटर में इसे धो ले। इसे चूना बिल्कुल निकल जाना चाहिए पेठे के पीसेस से। तो ये देखिए, मैंने एक बर्तन में पानी लिया है, ये पेठे को बॉईल करेंगे। पानी उतना ही लेना है कि जितने पेठे के पीसेस इसमें पूरी तरीके से डूबो जाए। ज़्यादा पानी नहीं लेना है, इससे हमारा पेठा का जो स्वाद है फीका हो जाएगा। पानी गर्म हो चुका है तो हम पेठा के पीसेस को इस तरीके से एक एक करके डाल देंगे। हमें पानी उतना ही डालना है कि जितने भर ये पेठे के पीसेस को हम डुबो सकें, उससे ज़्यादा नहीं। ध्यान रहे उबालने समय कि हमें इसका ओवर बॉयल नहीं करना, हमें इसका सेम ही बॉयल करना है, क्योंकि जब हम चाशनी में इसे डालेंगे तो उस समय भी ये पेठा का पीसेस बॉयल होगा। ये इसे ऐसे आहिस्ते से चला लें, इसे बराबरी हर साइड से बॉयल होगा। तो हम चेक कर लेंगे ये हमारा बॉयल हुआ है कि नहीं। ये देखिए, इसे ये सेमी बॉयल हो चुका है। हमें इसे सेमी बॉयल ही करना है क्योंकि चाशनी में फिर से ये बॉयल होगा। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम पेठा के पीसेस को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और अब चाशनी तैयार करेंगे। तो अब हम, जब तक हमारा पेठा ठंडा हो रहा है तो हम अब चाशनी बनाएंगे इसके लिए। ये मैंने 3 कप चीनी लिया है,
750 ग्राम। और अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, मैंने 2 कप पानी डाला है। और हम बनाएंगे चाशनी। जो पेठा के लिए हम चाशनी बनाएंगे वो गाढ़ी बनाएंगे, तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 इलायची। ये देखिए ये चीनी घुलने लगा है, इसे ऊपर ऐसा चला देंगे। ये देखिए चाशनी अब खोलने लगी है। ये चाशनी का कलर आप देख रहे हैं थोड़ा मैला है, तो इसके लिए हम एक इसमें नींबू निचोड़ देंगे। इससे क्या होगा, चाशनी का जो रंग है वो साफ हो जाएगा। अगर आप चाहें इसमें तो थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं, उससे भी साफ हो जाता है। ये 1 कप चीनी मैं और डाल देती हूँ, इसका गाढ़ा करना है चाशनी। इस तरीके से ऐसे चलाते रहेंगे। ये देखिए ये जो चाशनी है ये अब गाढ़ी होने लगी है। तो अब हम क्या करेंगे, ये पेठा के पीसेस जो हमने बॉईल किए थे उसे एक एक करके इस चाशनी में डाल देंगे। देखिए इस बात का हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो हम पेठे के पीसेस डाल के इसमें हम चाशनी में बॉईल करेंगे, एक तो ये जो पेठा है हमारा ये भी पकेगा और दूसरा कि चाशनी भी हमारी और गाढ़ी हो जाएगी। ये टोटल मैंने 1 केजी चीनी का इस्तेमाल किया है 1.5 केजी पेठा का मिठाई बनाने में। इसे हम तब तक उबलने देंगे इसमें जब तक कि हमारी चाशनी गाढ़ी ना हो जाए और ये पेठा बिल्कुल इसमें चाशनी में पक ना जाए। अगर आप पेठा को कोई कलर देना चाहते हैं तो आप इसमें कलर का भी कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास अभी कोई कलर अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैं कलर नहीं डाल रही हूँ। ये मेरे पास अभी केसर है तो मैं केसर डाल देती हूँ। आप फूड कलर अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको येलो करना है कलर तो आप 1 से 2 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करें। अगर आप पेठा को लाल कलर या मरून कलर देना चाहती हैं तो 1/2 चम्मच बीट का रस का इस्तेमाल करें, उससे भी काफ़ी अच्छा कलर आता है। अगर आप पेठा को ग्रीन कलर हरा कलर देना चाहती हैं तो पान के पत्ते को पीस कर इसमें आप डाल सकती हैं। तो ये देखिए मैं 1 चुटकी सिर्फ हल्दी डाल रही हूँ बस हल्का कलर देने के लिए। ये देखिए ये पेठा कलर देख रहे हैं, ये जो मैंने 1 चुटकी हल्दी डाली थी उससे कलर कितना अच्छा येलो आ गया है। अब हम पेठा को चेक कर लेंगे कि हुआ है कि नहीं। ये भी हमारा पेठा बिल्कुल पक चुका है चाशनी में। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे 4 से 5 घंटे के लिए ठंडे होने के लिए हम छोड़ देंगे। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ केवरा एसेंस, इससे थोड़ा अच्छा फ्लेवर और एसेंस आ जाता है पेठा में। इसे ऐसे मिला दें, इसे 4 से 5 घंटे तक ऐसे ही चाशनी में से डुबो कर रहने देंगे हम पिठा को। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच रोज वाटर गुलाब जल, इससे अच्छा सा एसेंस आ जाएगा, फ्रेग्रेंस भी इससे अच्छा आता है मिठाई में। तो ये देखिए ये हमारा पेठा अब ठंडा हो चुका है, 5 से 6 घंटा मैंने छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए। और ये बिल्कुल चाशनी जो है ये एब्जॉर्ब कर चुका है। तो अब हम पेठा को इस तरीके से एक प्लेट में ये इस तरीके से निकाल लेंगे सूखने के लिए। ये देखिए
तो अब इसे पंखे के नीचे आप रख दें, ये सूख जाएगा। अगर आप चाहते हैं इसे सजाना तो आप सजा भी सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ कैसे इसे सजाएंगे। तो ये मेरे पास नारियल की बुरादा है, अगर आप इसे इस तरीके से गेस्ट को देने के लिए आप सजाना चाहती हैं तो आप इस तरह से भी सजा सकते हैं। आप इस तरीके से पेठा बनाकर देखें, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने में। ये खाने लायक बिल्कुल हो चुका है, लेकिन मैं इसे पंखे के नीचे और रख दूंगी 5-6 घंटा के लिए। इससे ये काफ़ी सूख जाएगा और मैं इसे फिर फ्रिज में रख दूंगी, उसके बाद फिर हम लोग इसे खा सकते हैं अच्छे से। अरे मैं आपको एक पेठा इस तरह से दिखा देती हूँ, ये कितना ऐसे अंदर तक रस भरा हुआ है, ये जूसी है। अगर मैं इस तरह से करूँगी तो ये देखिए चाशनी भी टपक रही है, ये देखा, और ये देखिए बिल्कुल अंदर से पक भी चुका है। आप इसे घर में बनाएं और सभी को खिलाएं, और ये रेसिपी कैसी बनी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे वीडियोस को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।